जब पुलिस तहफ़ मराक़ का कायम जब हो रहे थे तो डेट इज़ वाई मैंने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया दी है वो बहुत टाइम पे रही बहुत टाइम पे ऐसे सनेरियोज आए जब मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि मैं एट द बैक साइड चीज़ों में चली जाऊँगी ठीक है हम हिजरा कल्चर से बिलोंग करते हैं कल्चर से और लेकिन मुझे वहाँ भी चीज़ें सीखने को मिलती थी बिकॉज ये चीज़ें पहले मैं इसका पार्ट मैं अभी भी उसका पार्ट हूँ हाँ प्यार जो उनकुमिन आप देख रहे हैं विलॉक सेंटर नाजी इस टाइम मैं मौजूद हूँ पुलिस खिदमत मरकज़ में, में जहाँ पर आपकी मुलाकात करवाऊंगी पहली ख्वाजा सरा पुलिस ऑफिसर से जो कि पुलिस खिदमत मरकज़ में विक्ट ऑफिसर तैनात हुई हैं तो आइयन से बात करते और जानते हैं कि सफ़र में उनको किन मुश्किल का सामना करना पड़ा उनकी तालीम क्या है और क्या सोचती हैं कि ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देंगी तो चलते हैं इनसे बात करते हैं ये किस तरह आइडिया है कि मैंने पुलिस ऑफिसर बनना uh, पुलिस ऑफिसर एक्चुअली डिपार्टमेंट uh, में एक ऑपरचुनिटी आ रही थी स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और ये चीज़ें जो थी वो हमें नहीं नज़र आती हैं तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पंजाब पुलिस का तो इसलिए ये जब पुलिस तफ़ मराक़ का कायम uh, जब हो रहे थे तो उस टाइम पे एक ऑपरचुनिटी मिली सो आई रियली वॉन्ट टू लाइक मैंने कहा इट्स अ टाइम टू ग्रैप द थिंग्स सो देट इज़ वाई मैंने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया क्या फीलिंग थी जब आपको पता चला कि आप हायर हो गई हैं और एक पुलिस की वर्दी पहनेगी और जब पहले वर्दी पहनी थी तो क्या थे बहुत अच्छी फीलिंग थी और हाँ उससे पहले हम सिविल में काम कर रहे थे और ट्रेनिंग भी चल रही थी और सब कुछ और उसके साथ लेकिन वही आपकी बात है जब यूनिफॉर्म आप पहनते हैं तो आपकी एक अलग से पर्सनैलिटी डेवलप होती है और एक ऑनरशिप आपके पास होती है और तो तो एक भी थोड़ा हाँ डिपार्टमेंट भी ऑन करो तो विद ऑल दैट दबदबा भी होता है लेकिन वो बस शुरू के कुछ थोड़ा सा टाइम का वो फेज़ होता है लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक कुछ दबदबे के बजाय ना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उन सारी चीज़ों का एक प्रेशर जो वो ज़्यादा हो जाता इस है इससे पहले किन मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारे माशरे में समझा जाता है ट्रांसजेंडर है मज़लूम है उन पर खाया जाए पढ़ना लिखना नहीं उनका होता आपको क्या फील होता है क्योंकि ये चीज़ें देख के अपना डिमोटिवेट तो हो ही जाता है बिल्कुल डीमोटिवेशन जो है वो बहुत टाइम पे रही बहुत टाइम पे ऐसे सैनैरियोज़ आए जब मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि मैं एट द बैक साइड चीज़ों में चली जाऊँ या मैं बैक एंड एंड बैक एंट करती रहूँ लेकिन शुक्र अलहमदिल्ला जब मैं चीज़ें कर रही थी तो मुझे एक ना चीज़ आती थी कि शायद मुझे चुना गया है इस चीज़ के लिए या फिर और लोग नहीं हैं शायद मेरे इस कदम से और लोगों को आसानियाँ पैदा हों कामयाब औरत के पीछे मर्द के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है आपका किसका हाथ Uh, मेरे इस वाली कामयाबी और इन सारी चीज़ों के पीछे मैम शेहबानो नकवी और उसके साथ uh, साथ आई जी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर और मैम अमारा अतर मतलब इसी तरह से सर जो है सी डी ओ और मतलब डिफरेंट जो उनसे डी आई जी हैं सर अली रजा हैं एस एस पी हैं फैमिली आपकी प्रेशराइज होती थी फैमिली uh, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होती थी और मैं बहुत डिफरेंट टाइम पर फैमिली के साथ डिस्कस भी करती थी इस चीज़ को बट येस माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव और uh, उन चीज़ों के साथ साथ ना वो हमेशा यही कहती थी, थी कि कोई बात नहीं चीज़ें बेहतर होंगी वक्त अच्छा आएगा नाओ आई कैन फील दैट पेन जो कि पेरेंट्स को होती है एक टाइम होता है जब हम लोग ख़ुद समझ नहीं रहे होते हैं हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं कि अच्छा शायद हम ऐसे ही हैं या हमारे साथ ही ऐसा होना था या आप, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक वो समझ रहे होते हैं ब्लेम भी कर रहे होते हैं कि शायद हम लोग की ही गलती है लेकिन आप जब आ, चीज़ों को समझें चीज़ों को देखें तो फिर आपको होता है कि नहीं शायद वी आर ब्लेस्ड के अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस तरह से पैदा किया देखने में यही मिलता है कि गुरु आपसे फंक्शंस करवाते हैं गुरु आपको आगे भेजते हैं तो आपके गुरु दूसरों से हटके किस तरह है बिल्कुल मेरे गुरु जो हैं वो उनका नाम नयाबली है मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और ना सिर्फ मतलब ठीक है हम हिजरा कल्चर से बिलोंग करते हैं ख्वाजा सारा कल्चर से और लेकिन मुझे वहाँ भी चीज़ें सीखने को मिलती थी बिकॉज किए हुए ये चीज़ें पहले मैं इसका पार्ट में अभी भी उसका पार्ट हो हाँ महज्स वगैरह वगैरह जो उनसे वो मैंने सच उस तरह से नहीं किए एक दो दफ़ा जस्ट एक्सपीरियंस रहा और वो भी जस्ट एक्सपीरियंस के लिए ही ये बताएं आप अपने जेंडर के लोगों के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है हम लोगों ने जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने ड्राइविंग सिखाने के लिए हम लोगों ने कहा कि आप अपनी ड्राइविंग सीखें ताकि हम आगे जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर आप लोग उनको उस तरह से हम लोग चीज़ों में लेकर जाएँ उसके साथ साथ तहफ़ दर्स का बनाई गई है जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन ख़ार सारा अफराद को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एजुकेशन दी जाएगी सिर्फ बल्कि उनको शेल्टर होम भी प्रोवाइड किया जाएगा खाना पीना रहना और उसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर उनको इन्वॉल्व करना अच्छा ये बताएं आप अगर पुलिस इंस्पेक्टर ना होती आप क्या होती आई थिंक मैं डिजाइनर होती और ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन करी होती और उसके साथ साथ सोशल वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा काम करी होती क्योंकि मैंने शुरू से बचपन से ही मतलब मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा तो मैं डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम पे लोगों को हेल्प आउट कर रही होती थी अच्छा एक पर्सनल सवाल देखिए अल्लाह तला ने इंसान को दुनिया में पैदा किया है खाली सोशल वर्क के लिए थोड़ी की है इंसान को प्यार भी होता है कभी हुआ हाँ प्यार जो उनका है वो होता है क्यों नहीं होता ऑफकोर्स होता है तो बहुत आई थिंक बहुत दफ़ा है लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो शादी होगी ना वो तो मेरे डिपार्टमेंट के साथ ही हो गई है <laughs> क्योंकि ना मैं ज़्यादा टाइम में यहाँ पर ही देती हूँ और बाकी घर जाना है तो घर जाके फिर क्या करना है या घर जाके बैठ लो टी देख लो या मोबाइल पे हो जाओ हमारे माशरे में कोई बंदा अच्छी जगह पर ना हो तब भी बातें सुनता है हो जाए तो उसे कहते तो इससे अच्छा वो कर लेते तो कभी किसी ने आपकी हमारे साथ सोसाइटी में किसी ना कम्यूनिटी ने कभी ये नहीं कहा कि यार ये जो होते हैं फंक्शन वगैरह उसमें ज़्यादा कमाई है इस कहाँ पर गई हो इतनी से पे के लिए या ये कहाँ पर गई उसमें तो पैसा ही बढ़ा है वाकई ये चीज़ होती है और देखें जब आप देख रहे होते हैं ना लोगों को और पैसे की चमक जो उनको कहाँ खींचती आपको खींचती है किसको नहीं खींच लेती exactly वही ना लेकिन शुक्र अलहमदिल्ला के मैं इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं हुई और उसके साथ साथ क्योंकि देखें आप जब स्ट्रेस स्ट्रेस में होते हैं तो फिर आप अदर एक्टिविटीज बेशक वो ड्रग्स से रिलेटेड हो जाए या फिर और कितनी चीज़ें होती हैं कम्युनिटी में ड्रग्स त्य का सीन है आ, बिल्कुल है जिस तरह से दूसरे जेंडर्स में है उसी तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर भी है चूँकि बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर रह रहे होती है कम्युनिटी और डिग्रेड किया जा रहा होता है एक्सेप्टेंस नहीं होती है फैमिली की तो फिर वो काफ़ी लोग जब स्ट्रेस में चले जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ के अंदर फिर कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं आखिर में आप खाले सराह कम्युनिटी के लिए कोई पैगाम कोई मैसेज चूँकि आप उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है आ, बिल्कुल कम्युनिटी से आ, मेरी रिक्वेस्ट है दरख्वास है हाथ जोड़ कर के खुदा रहा प्लीज़ चीज़ों में इन्वॉल्व हो आगे बढ़ें और आ, बिल्कुल जो आप लोग कर रहे हैं मैं उस चीज़ को बुरा नहीं कहूँगी आई नो कि इट्स मतलब वो एक टाइम होता है आप अगर कुछ थोड़ा सा टाइम अपनी एजुकेशन को देते हैं या फिर कुछ स्किल्स ले लें तो उसमें इन फ्यूचर जो है न, वो आपका अच्छा हो जाएगा बुढ़ापे में जो है ना हम लोग जो उनसे वो काफ़ी बिल्कुल अलग से हो जाते हैं लोगों को अपने चेलों को या अलग से देख रहे होते हैं कि कोई हमें हेल्प आउट करे तो हमें कम से कम उन चीज़ों में तो नहीं जाना पड़ेगा ना तो द्दीन आदि जैसे कि आज हमने जनाया चौधरी से बात की जो कि पुलिस ऑफिसर हैं और बहुत से ख्वाजा सरो के लिए भी बहुत सा काम करें ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के लिए कि ख्वाजा सरा भी हमारे माशरे में पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर बाज़्ज़त तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं आपके जो राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त फिर जरूँगी किसी नए प्रोग्राम के साथ तब तक के लिए अल्ला के बाद